देश में अभी क्या हो रहा है, सबसे लंबा संविधान हम लोग का है, लेकिन संविधान बनाने वालों ने ये संविधान में आर्टिकल 1, 2, 3, 4 क्यों बनाया था कि आर्टिकल 300 में क्यों नहीं लगाया, 300 में दूसरा आर्टिकल रखा, 1 में दूसरा आर्टिकल रखा। तो स्टेट बनाने का जो आर्टिकल है 2, 3, 4 जिसको बताया है, तो 2, 3, 4 के बारे में पार्लियामेंट में शोषण क्यों नहीं होता है। अभी इंडिया में स्टेटहुड मांग रहा है, आप उसको डाल देते हैं कि आपका आवाज नहीं है, आपका मूवमेंट दिख नहीं रहा है, तेलंगाना में इतना भरा था, विदर्भ में नहीं भर रहा है। ऐसा अगर भाषा होगा, ये नेशन स्टेट क्रिएट क्यों किया? ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? फंडामेंटल राइट क्या है? ड्यूटीज क्या है? प्रीएम्बल क्या है? इसको अगर हमें समझना चाहिए एक देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, इससे अफसोस क्या होगा। तो इसीलिए अभी नेशन स्टेट फॉर्मेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ये नेशन के अंदर जितना भी लोग है उसको लैंड प्रोटेक्शन, उसका फिजिकल प्रोटेक्शन, इनका सिक्योरिटी मिलना चाहिए, साथ साथ इनका जो वैल्यूज है, आइडेंटिटी कल्चर का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो अभी हमारा ये बात है कि अभी मिल क्या रहा है, रीजनल इम्बेलेंस, एक्सप्लोइटेशन, अनरेस्ट, इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है अपनों से। अभी नोटिस में आप देखिए, काफी सालों से वहां आर्मी लगा के रखा है, यहाँ मिडिल इंडिया में नक्सलाइट मूवमेंट हुआ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा के रखा है, लेकिन नोटिस में आर्मी लगा के रखा है। और किसको मारेंगे? अपने लोगों को, जो सिटीजन है उनमें से कुछ लोगों ने, कुछ नौजवानों ने बंदूक लेके रेवोल्यूशन किया, तो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट ये जंग शुरू डिक्लेयर कर दिया कि उनको हम जैसे तैसे क्रॉस करेंगे। वो आपका ठीक है, आप क्रॉस करेंगे, लेकिन सोल्यूशन क्या करेंगे आप? प्रॉब्लम तो है ना जेन्युइनली, हम लोग आसाम में बोधले हम लोग मांग रहे हैं, तो उसमें बोल रहे हैं आसाम बहुत छोटा राज्य है और सोता नहीं करेंगे, लेकिन आप तो गोवा को इतना सोता कर दिया, इतना गोवा सोता है, इतना हमारा यूपी है, क्राइटेरिया नहीं है आपका, नॉर्म्स नहीं है आपका, प्रॉब्लम किसका कितना है इसको सर्वे करने का आपका तरीका नहीं है। तो इसीलिए अभी जिस तरीके से गवर्नमेंट चला रहा है, इसमें अनरेस्ट ही बढ़ेगा, इम्बेलेंस ही बढ़ेगा, और हम लोग नहीं चाहते कि देश में आधे लोग मूवमेंट में रहो, आधे लोग तरक्की के बात करो, डेवलपमेंट के बात करो, ऐसे देश कैसे चलेगा। तो इसीलिए लीडर तो बदलते हैं, स्लोगन बदलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं बदल रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि और 10 नए राज्य बनाने से इंडिया वीक होगा, और 15 नए राज्य बनाने से इंडिया वीक होगा, लेकिन अभी का जो डेमोक्रेसी है इसमें पार्टिसिपेशन जैसे मिलना चाहिए, मार्जिनलाइज ग्रुप को पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है, और इसीलिए डेवलपमेंट एक पार नहीं हो रहा है, इसमें बहुत डिस्पैरिटी दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए आइडेंटिटी का और कल्चर का बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए इंडिया में इतना भाषा है, इनमें से 22 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज करके रखा, लेकिन आप जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, आपका जो भी भाषा है वो तो एक इंडियन ही भाषा है, इंडिया का हिंदी राष्ट्रभाषा हमने मान लिया, इंग्लिश ऑफिशियल कर दिया हमने मान लिया, फिर भी यहाँ छोटा छोटा जो समुदाय है उसका जो मातृभाषा है उनका उसका भी तो महत्व है, यहाँ इम्पोर्टेंस तो है। तो उसके लिए हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशनली उसको रिकॉग्निशन करता है, उसको उसको देखता है, लेकिन जो लीडर्स है वो लोग इनके लिए कुछ प्रोविजन नहीं कर रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और हम लोग अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप ट्रांसफॉर्मेशन या डेवलपमेंट का बात करते हैं ठीक है, लेकिन साथ साथ जो ग्रास रूट में, विलेज में, रूरल एरिया में, देश के कोने कोने में लोगों का इतना प्रॉब्लम है, एजुकेशन को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, फार्मर्स का प्रॉब्लम है, ये सब भी ये गवर्नमेंट देखना चाहिए, ये हमारा अपील है।